बॉलीवुड की आइकॉनिक स्टार और बीजेपी सांसद ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रहती हैं। जहां एक ओर बॉलीवुड की दुनिया में हेमा मालिनी ने एक खास मुकाम हासिल किया है, तो वहीं राजनीति की गलियारों में भी परचम लहरा रही हैं। ऐसे में देखा जाए तो हेमा मालिनी जब भी किसी शो में पहुंचती हैं तो उस दौरान अपनी जिंदगी से जुड़े कई किस्सों को शेयर करती हुई भी नजर आती हैं। वेल, बताना चाहेंगे आपको कि हाल ही में हेमा मालिनी पहुंची सोनी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 के सेट पर। वुमेन्स डे के खास मौके पर हेमा मालिनी यहां पर कंटेस्टेंट का हौसला बढ़ाती हुई नजर आई। लेकिन बताना चाहेंगे आपको कि अब हेमा मालिनी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हेमा मालिनी रोती हुई नजर आई हैं। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि इस वीडियो में हेमा मालिनी इस वजह से रो रही हैं कि उनकी बड़ी बेटी एक्ट्रेस ईशा देओल ने उनके साथ रिश्ते को लेकर तमाम बातें शेयर की हैं। सो फ्रेंड्स, बताएंगे आपको हमारे इस खास प्रोग्राम के जरिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि जहां एक ओर हेमा मालिनी अपने पति हिमेंद्र धर्मेंद्र के साथ बहुत ही प्यारा रिश्ता शेयर करती हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को सालों गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी दोनों का प्यार बरकरार है। एक दूसरे के साथ रिश्ते को बखूबी निभाते हुए चले आ रहे हैं हेमा और धर्मेंद्र। तो वहीं हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की दो बेटियां आहाना देओल और ईशा देओल अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल तरीके से बिता रही हैं। ऐसे में देखा जाए तो अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपनी बेटियों के प्रति अपने प्यार को जाहिर करती हुई देखी जाती हैं हेमा मालिनी। तो वहीं उनकी बेटियां भी अपनी मां हेमा पर प्यार लुटाती हुई नजर आती हैं। लेकिन हाल ही में ईशा देओल ने अपनी मां हेमा मालिनी के लिए कुछ ऐसी बातों को शेयर किया है जिसे सुनने के बाद हेमा मालिनी की आंखों से आंसू तक छलक पड़े हैं। दिखाते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड की आइकॉनिक स्टार ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन्स डे की खास मौके पर सोनी टीवी के रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 के सेट पर पहुंची थी। शो की जजेस नेहा कक्कड़, विशाल ददलानी और हिमेश रेशमिया के साथ सभी कंटेस्टेंट ने मिलकर हेमा मालिनी का भव्य अंदाज में स्वागत किया। इस दौरान देखा जाए तो हेमा मालिनी बेहद खूबसूरत साड़ी में नजर आई। हेमा मालिनी का दिलकश अंदाज देखने को मिला। शो में पहुंचकर हेमा मालिनी ने कंटेस्टेंट का हौसला बढ़ाया, तो वहीं अपनी जिंदगी से जुड़े कई खुलासे भी करती हुई नजर आई। जी हाँ दोस्तों, हेमा मालिनी ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई किस्सों को शेयर किया और इस दौरान देखा जाए तो सेट पर हेमा मालिनी की आंखों से आंसू भी छलकते हुए नजर आए जब उनकी बड़ी बेटी एक्ट्रेस ईशा देओल ने हेमा के साथ रिश्ते को लेकर कई सारी बातें शेयर की। दरअसल बताना चाहेंगे आपको कि हेमा मालिनी के साथ बहुत ही प्यारा बॉन्ड शेयर करती हैं ईशा देओल। अपनी मां के बेहद करीब हैं, उनसे अटैच्ड हैं। तो वहीं ईशा देओल ने अपनी मां हेमा मालिनी के साथ रिश्ते को लेकर तमाम ऐसी बातें कहीं जिसे सुनने के बाद हेमा की आंखों से आंसू छलक पड़े। शो में हेमा मालिनी अपने आंसुओं को कंट्रोल तक नहीं कर पाई। ईशा देओल फिलहाल फिल्मों से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। अपने प्यार को जाहिर करती हुई देखी जाती हैं अपनी मां हेमा मालिनी के प्रति और अपने पिता धर्मेंद्र के प्रति भी। ऐसे में आपको बता दें कि शो में जब ईशा देओल का एक वीडियो क्लिप प्ले किया गया और उस वीडियो क्लिप में ईशा ने कई सारी बातें शेयर की थी। ईशा देओल ने इस वीडियो क्लिप में कहा कि आप सबके लिए हेमा मालिनी जी एक ड्रीम गर्ल हैं, लेकिन हम लोगों के लिए वो सिर्फ एक ड्रीम गर्ल नहीं बल्कि हमारी अम्मा हैं। माँ, मैं अपने आप पर बहुत गर्व करती हूँ कि आप मेरी अम्मा हैं। खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ कि भगवान ने मुझे आपकी बेटी बनाया। माँ के साथ बचपन की यादों को ईशा देओल कभी नहीं भूल सकती हैं। ईशा देओल की इन तमाम बातों को सुनने के बाद हेमा मालिनी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। हेमा मालिनी बताती हैं कि ईशा बहुत ही प्यारी बच्ची है।
ईशा ही नहीं, आहाना भी उतनी ही प्यारी है। मैं ऊपर वाले और धर्म जी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी प्यार करने वाली दो बेटियाँ दी। और ये सब कहते हुए हेमामालिनी काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं और आगे वह कुछ कह भी नहीं पाती। बस हेमामालिनी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और अपनी लाडली बेटी के मुंह से इन तमाम बातों को सुनने के बाद हेमामालिनी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वह सेट पर काफ़ी भावुक होती हुई नजर आती हैं। हेमामालिनी को देखकर शो के जज नेहा कक्कड़ की आंखों से भी आंसू छलक पड़ते हैं और इस तरह से सेट पर ही हेमामालिनी अपनी बेटी ईशा देओल की बातों को सुनकर रो पड़ती हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी इस खास रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके से ईशा देओल ने अपनी माँ हेमा मालिनी के साथ रिश्ते को लेकर अपने दिल की बातों को शेयर किया और उस दौरान हेमा भावुक होती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर देखा जाए तो ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और शो में पहुंची हेमा मालिनी ने तमाम किस्सों को शेयर किया। अपनी बेटी के साथ रिश्ते को लेकर हेमा मालिनी ने कई बातें कही तो वह धीरे धीरे इमोशनल होती हुई भी नजर आई। बताना चाहेंगे आपको कि इस दौरान हेमा मालिनी ने पति धर्मेंद्र के साथ रिश्ते को लेकर भी कई बड़े खुलासे किए और हेमा मालिनी इस शो में जमकर एंजॉय करती हुई भी नजर आई। हेमा ने कंटेस्टेंट का हौसला बढ़ाया और वहीं दूसरी ही तरफ हेमा मालिनी ने कंटेस्टेंट के सामने एक शानदार परफॉर्मेंस भी दी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि हेमा मालिनी ने सुपरहिट फिल्म शोले के गाने जब तक है जहां पर भी जबरदस्त डांस किया। सोशल मीडिया पर हेमा मालिनी के डांस की जमकर तारीफ की जा रही है। हेमा मालिनी ने शो में परफॉर्म दिया और हेमा मालिनी भरतनाट्यम डांस करती हुई भी नजर आए। ऐसे में देखा जाए तो हेमा मालिनी ने शो में पहुंचकर चार चांद लगा दिए और हेमा मालिनी यानी कि ड्रीम गर्ल ने एक बार फिर से सभी के दिल को जीत लिया है। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।